बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैर खरियत से हूँ। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे, और जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी दूर करे और हर दुख तकलीफ परेशानी से हर किसी को महफूज रखे। तो इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कोई यूँ है कि सिस्टर समेरा भाई नसरुल्ला और बच्चे आए हुए थे। दिल काफ़ी खुश हुआ था, अचानक कॉल कर दी गई थी कि हम आ रहे हैं तो खाना शाना बनाओ। वो बनाया है तो मशीन लगाई हुई थी साथ में। इतनी ज़्यादा सर्दी अब लग रही है ना, तो अभी ये सारे कपड़े मैंने इधर चारपाई भर के रखी हुई है ये प्रेस करने के लिए। तो अभी यूनिफॉर्म, बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, आज मेहमानों की वजह से काफ़ी लेट भी हो गए हैं क्योंकि वो चले गए हैं वापस, रात नहीं रहे क्योंकि कहते थे सुबह बच्चों के पेपर है, तो इसलिए अभी हमने जाना है। जाकर बच्चों ने पेपर की तैयारी भी करनी, तो कोई अपने इमरजेंसी घर के मसले से निकले थे, तो इसलिए वो अल्लाह पाक जी हर किसी की हर परेशानी दूर करे। और चलते हैं पहले किचन में, तो वो चीज़ें सारी सेटअप कर लूँ, फिर आके कपड़े वगैरह इस्त्री करती हूँ। अभी आई हूँ जी किचन में। बर्तन शर्तन सारे मेहमान जाने के बाद मैंने धो लिए हैं। और सिस्टर समेरा लेके आई थी जी शलजम और मूलियाँ। जी पता है सिस्टर को काफ़ी भाजी को पसंद है, इसलिए तो साथ में साग भी लेके आई है वो भी। तो अभी मैंने दूध गर्म किया जी ऊपर, आज फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगी, इधर ही रखूँगी। तो मैं रखें का कोई छिपकली वगैरह ना ऊपर चढ़ जाए, तो इसलिए दूध मैंने कवर करके रख दिया है। अभी जे कप गिलास वगैरह धो के रखे हैं, तो जे इनको इनकी जगह पर रखती हूँ क्योंकि बच्चे जब फिर आएंगे ना जो शीशे वाले गिलास तोड़ ना दें, तो इसलिए जिधर जिधर कोई चीज़ रखी हुई थी ना उधर उधर फटाफट सेट करके ना। तो मैंने अभी बच्चों को यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रखनी है, तो सुबह होगी फिर सर्दी नमाज शमाज पढ़ते तलावत करते काफ़ी देर हो जाती है, तो इस वजह से मेरा दिल है कि अभी ना मैं प्रेस करके रख लूँ। तो फिर अगर यूनिफॉर्म प्रेस की हुई होगी ना तो फिर टेंशन नहीं बनती, जिस तरह इंसान नाश्ता बनाए उतनी देर में बच्चे भी सपरा पढ़ के आ जाते हैं, तो फिर देर नहीं होती। तो बच्चे भी, इंसान बच्चों को भी टाइम दे सकता है, फिर तलावत भी आराम सुकून के साथ कर सकता है। तो अभी जी ये हर चीज़ मैंने सेटमेट, मैंने कहा जो थोड़ी बहुत है ना कर दूँ। बच्चे मामा बेटी आई थी उठ के, उसको भी सला के आई हूँ दोबारा, तो कबीर को भी कहा सो जाए जे थरमास में थोड़ी सी चाय है, ये सारी चीज़ें सेटअप कर लो ना। जे बर्गर ला के रखे हुए हैं ब्रेड जनी के, तो ये भी बनाने हैं अभी। ये सिस्टर समेरा माल्टे भी लेके आई थी, ये भी। ये पुदीना कुछ सूख गया है, कुछ अभी और सूख ले फिर डब्बी में पैक करके रखूँगी। ये मेथरी भी सूख रही है, और जो सबसे अच्छी बात है जी फ्रेश फ्रेश पालक और धनिया आ गया है, माशाल्लाह जी कितना प्यारा है। तो इस तरह की पालक बाज़ार से तो मिलती नहीं, आते हैं फेरी वाले भाई उनसे लेते हैं, तो जायका भी अच्छा नहीं होता। अब ये मेरी सिस्टर कह रही थी कि बच्चों को आप लोग कभी पालक नहीं बनाते, तो इसलिए मैंने काफ़ी पालक बनानी ना शुरू की हुई है। तो अभी जी एक पत्ता इस तरह पिघल गया है जी, अभी मैंने फ़र्श पे मैंने क्या सीधी पदरी करके रख दूँ ना, सुबह फिर अच्छी आगे पीछे करूँगी क्योंकि फिर ख़राब नहीं होगी ना, तो इसलिए। तो क्योंकि ये गांव की फ्रेश फ्रेश ना इसे खाद वगैरह दी है ना कुछ, तो इधर से ये भी मेरा काम सेटअप हो गया। अभी चाय पी लेती हूँ, और ये टोकरी मैंने किधर रखी है, मेरा ख्याल बच्चे माल्टे खाने के लिए ले गए हैं टोकरी, उधर मेरा दिल था जे शलजम और मूलियाँ भी इधर डाल के ना रख दूँ। चलो अभी इधर ही पड़े रहें, बाद में रखती हूँ फिर, जा इसमें रख दूँ डाल के। बिस्मिल्लाह। सिस्टर कह रही थी कि मैंने एक दिन गोश्त डाल के ना बनाए थे जे शलजम, तो इतने मज़े के बने थे, तो इसमें गोश्त ना भी डला हुआ हो
तो पालक वगैरह मेथी हो जाए तो फिर भी काफ़ी मज़े के बनते हैं। अभी ये सारी चीज़ें तो रख दी हैं, तो अभी जे मलाई को लगाया है जाग, जे सुबह छत पे रखूँगी। अभी अभी पीनी है चाहे तो जाके फिर कपड़े प्रेस करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हूँ बच्चों के लगे हैं कपड़े इस्त्री कर, यूनिफॉर्म वगैरह। मैनू ना खुद भी आने लग पी, मैं एक एक बच्चों की यूनिफॉर्म लाजमी प्रेस कर ला। सुबह टाइम फिर लाइट का भी नहीं पता हों, तो इस वास्ते बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस की हो तो फिर सानू टेंशन नहीं आती कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना तो मैं यूनिफॉर्म प्रेस नहीं की तो काम मेरा रह जाएगा। इस वास्ते हम चलो फिर काटे वाले सारी जिंदगी के नाल ही है। पहले तो मैं कर दी अपनी मामा बेटी की प्रेस, क्योंकि उन्हें तो कहना होगा कि अगर बिस्तरे पे उठ के आ गई ना तो उन्हें कहना मामा जी मेरी पहले यूनिफॉर्म प्रेस क्यों नहीं की। इस वास्ते ओदी पहले करके रख दी है तो फिर वो भी खुश हो जाएगी कि मम्मा ने मेरी पहले की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाने शाने जब फ्री हो गई थी मैं नमाज फिर पढ़नी है तो पहले अभी काम मैं कर ला। कपड़े भी सर्दियां ने इस तरह लगते भी जिस तरह गिले लाए, हजे कि मैं स्पिनर करके फिर पाए थे। शाम हो गई, खाना शाना बनाते रहे, मेहमान बिजी रहे ते काफी दिल भी खुश होया, तो हम कपड़े मैनू इस तरह लगते भी जिस तरह ना त्रिगड़ पै भी गई उ गिले हो गए। अगर सुबह सुबह बच्चों नू कपड़े इस्त्री करके दे के प्रेस करके ते गर्म गर्म पा लेंगे ठंडे नहीं होंगे, तो इस टाइम करके रख दिते तो ठंडे होने सुबह सुबह कपड़े भी। हाँ जी जी हमें मम्मा की एक शलवार प्रेस हो गई है, रह गई है कमीज, तो इधर पक्खे तो रख दिनी है सारे करके, तो सुबह फिर लेने आसान होंगे। समीर बेटा अपने पेपर ज्यादा कर रहा, उसके पेपर माशाल्लाह सुबह तीसरा पेपर है उन्होंने, इस्लामिया का भी हो गया उन्होंने, तो इंग्लिश का भी। पता नहीं मैं भी नहीं पूछे भी कि चीज़ का पेपर है तो याद करता बैठा, तो अजय सुबह की मशीन ला ली सी इस वास्ते याद ही नहीं रहा। सारे प्रेस कर दी, कैमरा कर दी बंद, तो फटाफट जड़े करने वाले कर लेंगे जड़े रह गए सुबह से। जी जी सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रख लिए हैं, जो यूनिफॉर्म वगैरह सारे ये जो अपर शपर है बच्चों के इधर रख लिए हैं, तो ये पैंट थोड़ी सी गीली लग रही थी ये प्रेस करके इधर रख दिए, सुबह से मैं रखूँगी। तो अभी हर चीज़ साफ सुथरी, सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, तो अभी
अभी वीडियो के एंड में इधर ही करती हूँ। जो हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।